हेलो एवरीवन, यस दिस इज सो विन सर, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो चैनल का नाम है बच्चे केमिस्ट्री के लिए, वो है ऑल अबाउट केमिस्ट्री, और मेरा खुद का नाम है सोविंद यादव। तो आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे ऑल अबाउट केमिस्ट्री, तो शायद वो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में बहुत ऊपर नहीं दिखाई देगा, पहली बात। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोविंद सर टाइप कर सकते हैं, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि मेरा जो चैनल होगा या जो मेरा जो वीडियोज होंगे वो शायद आपको टॉप पर दिखाई देगा, ठीक है। पहली बात, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सजेशन आए कि सर आप चैनल का नाम चेंज कर दीजिए, ऑल अबाउट केमिस्ट्री जो है कि शायद प्रेफरेंशियल ऑर्डर में बहुत ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, कोई और चैनल आ रहा है जिससे हमें सर्च करने में या फिर तकलीफ हो रही है या फिर लोगों को बताने में तकलीफ हो रही है। तो प्लीज़ आप उन लोगों को बता सकते हैं कि सोविंद सर अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब में, तो भी आपको क्या होगा, चैनल रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं आने वाले दिनों में सोचता हूँ कि अगर चैनल का नाम चेंज करना है तो मैं आपके सजेशन को जरूर जरूर कंसिडर करूँगा। ये बातें जो थोड़ी सी हम बोलते हैं ना, बाद में भी देखेंगे जैसे समय के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बात करने वाला हूँ आज मैं स्पेशल चीज के बारे में, स्पेशल थिंग्स जो होने वाली है आज आपके लिए, वो होने वाली एकलव्य बैच। जी हाँ, एकलव्य बैच जो है हमने महाराष्ट्र के बच्चों के लिए MHT CET नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया था जिसका नाम था एकलव्य बैच। और एकलव्य बैच में अप्रॉक्सीमेटली 15,000 बच्चे जो हैं लगभग जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लिंक में आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि टेलीग्राम लिंक होगा एकलव्य बैच का, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस बैच की खासियत क्या है, क्या होता है इस बैच में, अगर अब तक आप जुड़े नहीं हो तो आपको करना क्या है, कैसे जुड़ना है, चलो सब कुछ बताता हूँ मैं। सबसे पहले एकलव्य बैच जो है वो मेजरली दो टीचर ने स्टार्ट किया था, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, दिनेश सर और मुकेश सर, ये दो टीचर मिलकर एकलव्य बैच की स्टार्टिंग है। तो इन्होंने नींव रखी थी, मैं बोलूँगा, ठीक है, ये पिलर्स हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने ये कंसेप्ट सोचा था कि यार हम महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल वीक हैं, जो अच्छे कोर्सेज के लिए, मतलब बोलते हैं MHT CET या फिर नीट लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फ्री में इनके लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम था एकलव्य बैच। तो इन्होंने सबसे पहले एकलव्य बैच लॉन्च किया जिसमें मेजरली फिजिक्स और मैथ्स ही होते थे पहले, बट बाद में इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर इस तरह से एक हमने बैच लॉन्च किया है, तो क्या आप इसमें ज्वाइन होना चाहेंगे। तो मेरे लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि यार मतलब क्या सर ने क्या पूछा है। मैं और दिनेश सर काफ़ी सालों से हम बोलते हैं ना साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, कई सालों से कम 10-12 साल से हम साथ में ही हैं, बट सर की जो जर्नी है वो एक अलग लेवल पे मैं कहूँगा, ठीक है। तो सर ने मुझे अप्रोच किया कि सर क्या आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाना होगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई बच्चा पे नहीं करेगा, क्योंकि हम बच्चों को फ्री देना चाहते हैं। तो मैंने बोला यार ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन था लॉकडाउन वाला, अगर ये रेगुलर होता तो शायद मैं भी एक बोलते ना कैसा होता है मेरे माइंड में कि यार ठीक है रेगुलर है तो शायद पैसे के लिए मैं भी भाग सकता था, बट मेरे माइंड में यार नहीं यार ये लॉकडाउन वाला सिचुएशन है जहाँ पे मैं खुद जो है कि जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं ऑफलाइन बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो बच्चे कितने तंगी में हैं कि वो पैसे नहीं दे पा रहे। तो यार जो बच्चे इनसे भी बुरे कंडीशन में रहेंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे तो मैं ऑफलाइन में जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उनको तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छे खासे वो बोलते हैं ना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट जो बच्चे मुझसे जुड़े नहीं हैं अब तक, ठीक है, उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ चीज़ों को मैं सुन रहा हूँ आजू बाजू से कि यार बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत तकलीफ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यू चल रहे हैं लोगों के यहाँ पे, ठीक है, इस बार 12वीं की पढ़ाई पता नहीं कैसे होगी, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पता नहीं कैसे होगी, बच्चे इस बार तो बहुत ड्रॉप आउट लेने वाले, ये सब चीज़ें मैं सिर्फ न्यूज़ में देख रहा था। बट जैसे दिनेश सर ने ये प्रपोजल रखा तो मुझे लगा यार ये मौका है मुझे अपने आप को ये बताने का कि नहीं, मैंने जो एजुकेशन लिया है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं लिया है, मैंने एजुकेशन लिया है कुछ अच्छे काम करने के लिए। और शायद ये एक जो अप्रोच था मेरा टूवर्ड्स एकलव्य बैच, शायद इसीलिए जो है कि मैं जल्दी से बहुत बोलते ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे हाँ बोलने में, शायद मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि नहीं ठीक है सर मैं ये रेडी हूँ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एकलव्य बैच पूरी तरह से फ्री है। तो जो एकलव्य बैच की जो पहली खासियत है वो है कि ये फ्री बैच है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, न तो किसी को देना है, अगर कोई चार्ज करता है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी बताएं कि सर मुझे इस बंदे ने बोला है कि एकलव्य बैच के लिए फीस लगने वाली है, ऐसा कहीं पर नहीं है, कोई आपको टीचर नहीं लेगा, न तो मुकेश सर, न तो दिनेश सर, न तो मैं, न तो जो हमारे बायोलॉजी के टीचर्स जुड़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं पे नहीं लेने वाला है, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वेल प्रिपेयर्ड आपको सिलेबस मिलेगा, मतलब कि जो कंटेंट दिया जा रहा है वो वेल प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक लिया और पढ़ा दिया बस खत्म,
ऐसा नहीं है, आपको हर एक कंटेंट अच्छे से करा के दिया जाएगा बाय वेल एजुकेटेड टीचर्स। मतलब ऐसे भी नहीं कि कोई भी उठा स्टूडेंट्स और पढ़ा दिया आपको, ऐसा भी नहीं है। वेल एजुकेटेड टीचर्स का मतलब क्या है कि जितने भी टीचर्स यहाँ पे आपको एकलव्य बैच में दिखाई देंगे सब जो है मास्टर इन साइंस होंगे, मतलब MSc मोस्ट ऑफ सबका रहेगा। और मास्टर इन साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये US की MS डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब वहाँ पे हम MS बोलते हैं, मास्टर इन साइंस, ठीक है, जो कि काफ़ी वैलिड और काफ़ी बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंस होता है US में इस डिग्री का। तो यहाँ पे वो डिग्री जो है कि टीचर होल्ड ऐसे टीचर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो MSc बोलते ना डिग्री होल्डर्स हैं। MSc का मतलब सिंपल सा होता है मास्टर इन साइंस, मतलब अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे। तो सबसे दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे लग रही है वो है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। जो तीसरी चीज मुझे लग रही है, सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे तीसरी, वो है कि हमारे साथ एक और मैं बोल सकता हूँ कि बंदा जुड़ा हुआ है, कार्तिक करके एक लड़का है ये समझो, ठीक है, बट टेक्निकली शायद वो बहुत स्ट्रांग है और वो भी हमें मदद करना चाहता है कि नहीं सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। और वो मदद किस टर्म में करना चाहता है, टेक्निकली मदद करना चाहता है कि मतलब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो रिजल्ट्स डिस्प्ले करना है, कब एग्ज़ाम होंगे, कौन से चैप्टर के होंगे, क्या फॉर्मेट होगा क्वेश्चन पेपर का, डिलीटेड सिलेबस बोला गया तो क्या वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है कि नहीं प्रॉपर, वो सारी चीज़ें जो है कि कार्तिक नाम का एक लड़का है जो हैंडल कर रहा है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वेल प्रिपेयर्ड मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ये, जो होता है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है ये तीसरा पॉइंट, बहुत मायने रखता है। देखो होता क्या है कि आप फ्री बैच ज्वाइन करो चाहे पैसे वाला बैच ज्वाइन करो, टीचर आपको कोई भी पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है, आपने वो चीज़ों को सॉल्व नहीं किया है, लाइव एक्सपीरियंस नहीं किया है, जब तक आप बोलेंगे आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस नहीं की है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो रही है बुरी हो रही है कैसे पता चलेगा, बाय एग्ज़ाम, बाय टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो भी पूरी तरह से फ्री मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे किसी भी कंटेंट के लिए पैसा नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम का एक लिंक है एकलव्य बैच का, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, उस पे पहले आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। जैसे आप ज्वाइन होंगे वहाँ पे आपको डेली शेड्यूल जो होगा, जो भी टीचर चैप्टर्स बनाएंगे जिस भी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो है, वो उसका जो लिंक है ना वो उसी टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, तो वहाँ से बच्चों को पता चलेगा कि अच्छा ये चैप्टर का लिंक जो है कि इस सर ने डाल दिया, मतलब ये एकलव्य बैच का एक वीडियो रिलीज हो चुका है, ये मुझे देखना है, चलो उसको आपने देख लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया चैप्टर में। अब उसका आने वाले दिनों में, अब मैं ही नहीं बोलूँगा कि तुरंत ऑन द स्पॉट फटाफट होने वाला है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम अलग अलग बोलते हैं ना दिन दिया गया है, तो जैसे उनका जब बोलते हैं ना दिन आएगा, जब उनका टर्न आएगा, तो उस दिन जो है कि आप देखेंगे कि उस चैप्टर का कहीं ना कहीं आपको MCQ मिलेगी। अब MCQ जो है कि स्टैंडर्ड लेवल की मिलेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ भी MCQ रखे जा रहे हैं, स्टैंडर्ड लेवल की, जो MSTCT लेवल के MCQ होते हैं। MSTCT लेवल भी थोड़ा सा इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल जैसा हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है इतना सारा कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत बच्चों वाला MCQ रखेंगे, 12th सिलेबस अगर आपको अच्छे से आता है तो ही आप MCQ टैकल कर पाएंगे। तो 12th का सिलेबस का आना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो वो MCQ आपको, उसका जो लिंक है MCQ जो प्रैक्टिस होगी मॉक टेस्ट की, उसका लिंक आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और जो टीचर प्रैक्टिस कराएंगे, अगर कुछ टीचर लाइव प्रैक्टिस कराते हैं तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। कुछ टीचर ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल देंगे, जिसकी वजह से आप सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ इसका सर ने ये आंसर बताया, आप पॉज कर करके एक एक आंसर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होने वाली हैं। अब मैं स्पेसिफिक केमिस्ट्री जरा बात कर लेता हूँ कि केमिस्ट्री में क्या है। केमिस्ट्री में अब तक जितने भी चैप्टर्स मैंने वन शॉट में डाले हैं, जितने भी चैप्टर मैंने वन शॉट में डाले उन सारे चैप्टर्स का आप एक बार वीडियो जरूर देखना, अगर आप MSTCT के लिए जाने वाले हो, नीट के लिए जाने वाले हो। मैंने नीट लेवल तक का कंटेंट वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि इस बार क्या है बच्चे के जो CBSE का जो सिलेबस है ना 12th का, और जो हमारा 12th का सिलेबस है वो मतलब सेम है, मैं कहूँगा 100% सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो अगर आपने HSC बोर्ड का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, अगर वो अच्छे से कर लिया तो आपको अल्टीमेटली नीट लेवल की तैयारी हो रही है, क्योंकि नीट में बच्चे बाहर का नहीं आता है, JEE मेन में, JEE एडवांस में पूरा बाहर का होता है, मैं ये मानता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कि हमारे 12 सिलेबस के नहीं होते, थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, बट जो नीट होता है वो पूरा का पूरा CBSE का ही बुक होता है। एक एक लाइन अगर आप पढ़ डालेंगे ना CBSE का टेक्स्ट बुक का, वही मिलेगा, और वो एक एक लाइन इस बार 12th के HSC बोर्ड में दिया हुआ है,
तो आप अगर 12th के HSC बोर्ड भी करते हो बहुत अच्छे से, तो आप नीट का जो केमिस्ट्री है वो आसानी से क्रैक कर लेंगे, इसकी गारंटी है मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे एंड तक तो बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। 180 मार्क का पेपर होता है नीट के लिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये गारंटी है मेरी। MSTCT वाले बच्चे, आपको HSC बोर्ड का जो 12th सिलेबस है वही करना है, बट प्रैक्टिस इतना करो कि कंटेंट देखते ही, क्वेश्चन देखते ही MCQ आपके दिमाग में घूमने लगे कि यार यही तो MCQ होने वाला है। समझ में आ रहा है? अब जरा मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। देखो होता क्या है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे केमिस्ट्री, जो ऑल अबाउट केमिस्ट्री है सोविन सर का जो चैनल है, अगर उस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में एक बोलते ना नाम दिखाई देगा, एकलव्य बैच। तो जो भी वीडियो आपको देखना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अभी नया हूँ इस बैच के लिए, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पुराने हैं तो उनको तो पता है कि एकलव्य बैच में जाके पूरा वीडियो रखा हुआ है, बट जो बच्चे नए वो कहाँ से ढूंढेंगे, वो कहाँ से उनको मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पे जाए केमिस्ट्री पे, वहाँ पे एकलव्य बैच करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जो एकलव्य बैच लिखा हुआ उसको क्लिक कीजिए। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर्स ऑफ वीडियोज़ मिलेंगे, मतलब उतने कंटेंट हमने पहले करा दिए हैं। एकलव्य बैच हम लोग आज लॉन्च नहीं कर रहे हैं, एकलव्य बैच हमारा जो है कि बहुत पहले लॉन्च हो चुका था, 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हो गया था, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट भी करा दिए हैं। फिजिक्स के कंटेंट आपको मुकेश सर चैनल के चैनल पे मिल जाएगा, मैथ्स के जो कंटेंट है वो आपको आसानी के साथ एकदम दिनेश सर के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंटेंट्स केमिस्ट्री का जो है कि मेरे खुद चैनल पे मिल जाएगा आपको, ऑल अबाउट केमिस्ट्री सोविन सर टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, एकलव्य बैच पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। वो जो लिस्ट दिख रही है वो मैंने चैप्टर करा दिए हैं, कुछ चैप्टर के MCQ भी हो चुके हैं स्टार्टिंग में जो चैप्टर से, लाइक पॉलीमर मैंने MCQ भी खत्म कर दिया था, हैलोजन डेरिवेटिव मैंने MCQ भी खत्म कर दिया था, अल्कोहल फिनोल ईथर मैंने MCQ भी खत्म कर दिया था। ये 3 चैप्टर के मैंने MCQ भी खत्म कर दिए, तो उस MCQ का वीडियो भी आपको उसी एकलव्य बैच में मिल जाएगा। आप देखेंगे तो वहाँ पे थंबनेल में लिखा होगा MCQ सेशन। मैं 2 पार्ट में जनरली लेता था हमेशा, तो आपको 2 MCQ की प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि बच्चों के डिमांड थी कि सर MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, और ये सच बात है। अगर MCQ की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे ना तो ही ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है। ज़्यादा बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मैंने, बहुत ज़्यादा ज़्यादा तो आप पढ़ लियो, लेकिन आपको यूटिलाइज करने आ रहा है क्या? जो क्वेश्चन बन रहा है क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो? ये कब हो पाएगा? जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। 100 क्वेश्चन करने का मतलब कि आपका 100 तरीके से दिमाग चल रहा है, लेकिन आप एक लाइन जब पढ़ते हो ना तो सिर्फ वो लाइन ही पढ़ते हो यार, लाइन में लाइन समझ में आ गई, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उसका आंसर क्या लिखना है मुझे, या उस कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये आप तब कर पाएंगे उस लाइन के बेस पे जब आपने पहले से ही उस लाइन के बारे में 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे। आप बोलो सिर्फ वो लाइन पढ़ के चले गए आपके एंट्रेंस एग्जाम में और बोलेंगे सर उस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आया, मैं समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि आपने उस लाइन के लाइन तो समझ में आ गई थी आपको, बट उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। इसीलिए MCQ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और वो यहाँ पे होने वाली है। अब तक मैं एक बार भी लाइव नहीं गया हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं थ्रू कमेंट कि आपको क्या लग रहा है कि केमिस्ट्री का जो MCQ की प्रैक्टिस है वो लाइव होनी चाहिए, या फिर जैसे मैंने रिकॉर्डेड पहले डाला था स्क्रीन रिकॉर्ड करके वैसा ही चलेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हालांकि मेरे पास सुविधाएं नहीं है, जो सच हो मैं बता रहा हूं, तो अगर आपका कमेंट्स बहुत अच्छा आएगा, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो इसके बारे में मैं सोचूंगा कि यार कुछ ना कुछ किया जाए आप लोगों के लिए। तो मैं भी ट्राई करूंगा कि लाइव आकर आपको MCQ की प्रैक्टिस कराऊं केमिस्ट्री की। तो जो जो वन शॉट हो चुके हैं मेरे, वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर का मैं लाइव लेने जा रहा हूं, ये चैप्टर पढ़ के रखिए। देखिए मैंने अब तक MCQ सिर्फ 3 चैप्टर के कराए हैं, बट चैप्टर मेरे जो हुए हैं पढ़ा के वो कम से कम 8-10 चैप्टर हो चुके हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे, सर क्या बोल रहे हैं आप। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एकलव्य बैच है उसमें मेरे चैप्टर पढ़ा कर कितने हो गए? 8-10। अभी मैंने भी काउंट नहीं किया प्रॉपर, बट 8-10 हो चुके रहेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 8 मान के चलो। बट हमने कितना लाइव प्रैक्टिस किया है MCQ की? सिर्फ और सिर्फ 3। तो बचे हुए अप्रॉक्सीमेटली 5-7 चैप्टर अभी भी हैं जिसकी मुझे MCQ की प्रैक्टिस करानी है। समझ में आ रहा है? उसके मॉक टेस्ट होंगे, उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये सारे प्रोसेस अभी बाकी है। बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर वो MCQ की प्रैक्टिस कब होगी? भाई वो MCQ की प्रैक्टिस ही तो होने वाली है अभी। बीच में आपको मुकेश सर ने, दिनेश सर ने भी आपको लाइव में बताया था कि हम बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं एकलव्य बैच के जो डेट्स हैं, ठीक है। तो 16 से जो है कि आपको मिल जाएंगे, आपको जो प्रॉपर जो बोलते हैं ना लेक्चर टाइमिंग है सब मिल जाएगा आपको प्रॉपर, डोंट वरी। बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा लाइव का सेटअप करने के लिए, तो वो मैं तब कर पाऊंगा जब आपके कमेंट्स होंगे कि हाँ ठीक है बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं लाइव के लिए कि नहीं सर एक बार लाइव आइए। क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस मेरा खुद का पहली बार होगा, मैंने अब तक लाइव एक बार भी नहीं गया हूँ पूरे थ्रू आउट द यूट्यूब के कैरियर में बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत नया होगा, अगर बट ये मैं तभी कर पाऊंगा जब आपका सपोर्ट रहेगा कि नहीं सर आप जाइए, डोंट वरी, ठीक है, हम
टेक्निकली का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी होता तो हम समझने के लिए रेडी हैं. इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट देन ओनली आई कैन गो अहेड. अदरवाइज फिर कैसा होता है कि यार ठीक है आप बोलेंगे नहीं सर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए. रिकॉर्डेड लेक्चर में हमें मज़ा आ रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर में हमें टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, जो भी आपका थियरी है ठीक है. तो बच्चे ये चीज़ें मैंने आपके लिए बताया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये वीडियो लॉन्च करने का एक ही मतलब है कि जो बच्चे अब मुझसे जुड़े हैं नए नए, शायद उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि कितनी बेस्ट चीज़ जो है कि हमने बनाई हुई है. और ये बेस्ट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेल एक्सपीरियंस टीचर विथ प्रॉपर मॉक टेस्ट एंड गाइडेंस. तो भाई बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इसके अंदर. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ में. तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए.